हेलो रीना जी हेलो नेहा भी आई हैं ठीक है हेलो जस आज हुआ ये कि आज जो पेपर था मेरिटोरियस का और प्रॉब्लम ये हुई कि आज नेट काम नहीं कर रहा था ठीक है और मेरे को जस्ट अभी जसप्रीत जी ने मैं वो जो मैंने पेपर फॉरवर्ड किया है ना वो विदाउट टिक्ड यानी कि अनटिक्ड पेपर मुझे मिला ही जस्ट अभी नौ बज के तीन मिनट जो कि मैंने मैसेज तब देखा जब मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी तो अच्छा स्टिल यू आर ऑन द वे हाँ सबसे पहले रीना जी ने पेपर शेयर किया था मुझे ये मैं यही वाला पेपर सॉल्व कर रही थी ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप पिक्सल्स देखेंगे ना तो ये फट जाएंगी फिर तो ढंग से विजिबल नहीं हो पाएगा मैं सॉल्वड पेपर ये वाला भी और ये वाला भी और अनटिक्ड मैंने सेंड कर दिया है तो भेज दूँगी तीनों पेपर आपको भेज दूँगी मतलब दो ही रह गए एक ये पेपर रह गया और एक ये पेपर रह गया ठीक है तो ये सेंड कर दूंगी। पहले क्वेश्चन देखते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि लोग परेशान हुए क्यों परेशान हुए उसका रीज़न इतना सा है क्योंकि कोटेशंस पूछ ली अब अगर प्रीवियस हिस्ट्री आपने देखी हो ना मेरिटोरियस की तो मेरिटोरियस का लेवल जो है मास्टर कैडर से हाई रहता है ठीक है तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं थी आप एटलीस्ट इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके का पेपर आएगा कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट पूछी गई हैं और कुछ हैं क्योंकि जो यहाँ राइटर्स मास्टर कैडर में आते हैं वो मेरिटोरियस में एक दो राइटर्स चेंज हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन किसका वर्क है थॉमस कैरल विलेड जो वर्क है शार्लेट ब्रॉन्टे का है हमें पता है ये अभी रिसेंटली आपको याद होगा मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं शायद मॉक थ्री में था ये क्वेश्चन ना कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे बर्दा मेसन का कैरेक्टर निभाया है और ये इंपॉर्टेंट है मोस्टली बुक्स में लिखा रहता है जीन आयर मैंसफल्ड पार्क किसका वर्क है जेन ऑस्टन का सिसी जूब का कैरेक्टर इसके फादर जो है काम करते हैं और सिसी को छोड़ के चले जाते हैं ठीक है हार्ड टाइम्स में ये कैरेक्टर है ऊना एंड द लॉयन ये जो वर्क है ये यहाँ पे मैंने लिखा है एग्नीज एलिजाबेथ इनकी एक फ्रेंड हुआ करती थी ठीक है उन्हें क्या किया इन्होंने याद किया है वॉल्टर पेटर एस्थेटिक मूवमेंट का पार्ट थे उससे जुड़े हुए थे मिसेस डेलोए लिखा है किसने वुल्फ ने तो अगर आप ध्यान से कभी देखें तो क्या है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एबल मैगविच मैगविच का कैरेक्टर और पिप का कैरेक्टर ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है एक इंपॉर्टेंट लाइन है जस्टिस वॉज डन किसमें है टेस हार्डी की नॉवल में एक कैरेक्टर है अस्तेशिया रिटर्न ऑफ द नेटिव में है ये एक कोटेशन है जो कि वेस्ट लैंड में है अगर कभी आप पढ़ें तो अगर सिर्फ इतना भी आपको ध्यान हो ब्रोकन इमेजेस की बात किस में की है तो ये वेस्ट लैंड में की है हरी अब प्लीज इट्स टाइम ये एज इट इज जो पूरा का पूरा जो ये फ्रेज है बोल्ड में ही है ये गेम ऑफ चेस में है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी मेटाफिजिकल पोएट है ये ऐसे है जो कि टी एस एलियट ने लिखा है रैमसे फैमिली टू द लाइट हाउस में अपीयर होती है मिसेस वसीम मैं बिल्कुल ठीक हूँ आई होप कि आप बहुत ही अच्छे हैं ठीक है रूम ऑफ वंस ओन 1929 मोस्टली जिस किसी का भी पेपर है ना मोस्टली आंसर बिल्कुल करेक्ट है मतलब कहीं जगह उन्होंने गेस्ट भी किया है लेकिन अगर आप पेपर देखेंगे ना ये तो दो से तीन पे उन्होंने लिखा है गैस लेकिन गैस में भी बिल्कुल करेक्ट है मतलब वो वीडियो होती है ना जैसे टेलीग्राम पे बहुत सारी बार शेयर की जाती है तुक्का मारने के ट्रिक्स ठीक है उस पर कई कई मिलियन व्यूज़ होते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जीनियस होगा वो इंसान जिसके तुक्के भी बिल्कुल परफेक्ट हो गए जोसेफ कॉन्ड की आइडेंटिटी जब भी मैंने पढ़ाया है बहुत बार ये कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है देखो एक ये चीज़ ना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ रिपीट हो सकती हैं मेरिटोरियस से मास्टर कैडर में तो आपको ध्यान रखनी है जैसे कि ये क्वेश्चन आगे भी आएंगे एक स्टीमर है पटना नाम का लॉर्ड जिम के उसमें अब प्रॉब्लम ये है कि ये दो बार अपीयर होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डूब जाता है क्योंकि ये रस्ट की वजह से ठीक है अपीयरेंस जो है इसकी अच्छी नहीं होती तो ये स्टार्टिंग में ही आता है कि क्रू जो है उसको छोड़ के चला जाता है बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे इसमें डाउट है क्योंकि बोर्ड किस चीज़ को देखेगा ये उस पर डिपेंड करता है मुझे लगता है कि उसे फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना चाहिए बट हो सकता है वो सेकंड चूज कर ले तो यहाँ मैं क्वेश्चन में बता रही हूँ कि डाउट है क्योंकि कई बार ऑब्जेक्शन लगता है तो हम कुछ नहीं कह सकते मॉरिस एक ऐसा वर्क है एम e. फॉस्टर का जिसमें होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात की है ठीक है पैसेज टू इंडिया मालाबार केव्स आर भी आपको बहुत जगह मिलता है माराबार केव्स तो यहाँ पे बात हो गई स्टीफन डिडलस का कैरेक्टर जिम जॉयस की ऑल्टर ईगो को रिप्रेजेंट करता है बोथ नन्स एंड मदर्स वर्शिप इमेज ये जो फ्रेज पूरी के पूरी जो लाइंस हैं ये अमंग स्कूल चिल्ड्रन में आए हैं एज इट इज़ ठीक है तो जहाँ पे डब्ल्यू बी ईट्स जो हैं बच्चों के बीच जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनमें से कोई प्यारा सा बच्चा उसको मॉडगॉन की याद दिलाते। दे सप्लाई अच्छा ये जो है ये जब आप सेकेंड कमिंग पढ़ेंगे ये एक लाइन है द फालकन कैन नॉट हीयर दाल्कनर ठीक है तो ये जो लाइन है ये जायर के बारे में बात करती है इनका दरअसल एक थ्योरी थी जायर पीक पे पहुंचता है जायर क्या है जैसे आपने देखा ना कई बार जो साइक्लोन होते हैं ठीक है थीके? तो वो कुछ इस तरीके से घूमते हैं जिसे हम भंवर बोलते हैं पानी में भी होते हैं उसे हम टाइफून कह देते हैं तो कोई भी सिविलाइजेशन जो है वो दो साल में अपने पीक पर पहुँचती है इस ट्राइंगल को उन्होंने बताया है पीक पे पहुंचती है और सडनली फिर उसका डाउनफॉल हो जाता है ठीक है तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है love, ये आपको अगर में भी तो भी बताया गया था ऑनलाइन भी डला हुआ है कि रेनबो इसका करेक्ट आंसर होगा विमेन इन लव सीक्वल है रेनबो का नाउ दैट्स माई लेटर गॉन सर्कस एनिमल्स डेजर्शन ये बहुत जगह मास्टर्स में लगाई गई है ये पोयम तो यहाँ पे इसका आंसर यही बनता है ठीक है रोबक रैम्सडेन और जॉन टैनर अगर किसी को जॉन टैनर एज अ कैरेक्टर याद है जी बी शॉ में तो वो समझ जाएगा कि मैन एंड सुपर मैन है नाइनटीन में एक uh, मतलब परफॉर्म क्योंकि जी बी शॉ के ज़्यादातर जो प्ले हैं अगर आप बेन जॉनसन को देखें जी बी शो को देखें पहले परफॉर्म हुए हैं फिर कहीं लिखे गए हैं तो अगर किसी को याद है कि भाई 1929 में एप्पल कार्ट आया था तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कौन सा वर्क फिलिप लाकिंग का नहीं है चर्च गोइंग है आफ्टरनून है दिस बी द वर्स ये सॉन्ग सॉन्ग लिरिक ये जो है फॉक्स ये टेड ह्यू का वर्क है ठीक है टेड ह्यू का बर्थडे लेटर्स जो कलेक्शन था जब आप पीडीएफ में भी चेक करेंगे वहाँ पे भी था और जब पढ़ाया गया था तो ये बोला गया था कि एटलीस्ट इन दो पोएम्स को याद रखना क्योंकि जब जिस तरीके से सिल्विया के जाने के बाद इन्होंने लिखा और रिस्पोंड किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आंसर है बर्थडे लेटर्स 1977 में स्टीव स्टीवे ठीक है यही एक वर्क था जो कि इनके ऊपर बनाया गया था और इस पर फिर मूवीज़ भी बनी थी ये बहुत ही फेमस नाम है सीमस हैनी बहुत बार कहा गया है जैसे जॉसफ कॉनराड हो गए इवान बोलांड हो गए सीमस हैनी हो गए इनके नेशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको कहा गया था ध्यान रखना ये एज इट इज़ सेम क्वेश्चन जो है आपके किसी मॉक में डाला गया था ठीक है वहाँ पे शायद दूसरा नाम भी डाला गया हो अगर बोलांड नहीं होगा तो सीमा सैनी हो गया बट ये क्वेश्चन डाला गया था मुझे एज इट इज याद है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इवान बोलांड क्योंकि यहाँ पे सीमस सैनी नहीं है इसलिए इवान बोलांड जो हैं वॉइस हैं फीमेल हैं डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड और लंडन औरवेल का वर्क है ठीक है इसमें से कौन सा जो वर्क है जिसमें स्कूबी का कैरेक्टर आता है देखो ये बताया गया था कि स्कूबी का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आता है ग्रहम ग्रीनी के वर्क हार्ट ऑफ द मैटर में ये नेक्स्ट कौन है जो इंडिया में बॉर्न नहीं है अगर आपको याद हो तो वी एस नाइपोल जो ट्रिनीडियन है इनके ग्रैंड फादर यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम में शुगर केन मिल्स में काम किया करते थे और इंडिया इंडिया से ठीक है उनको क्या ले जाया गया था फिर बाहर ले जाया गया था तो ये चीज़ ये है ये तो बॉर्न नहीं हुए ना औरवेल है मोतीहारी बिहार में बॉर्न हुए थे उसके बाद उनको बाहर ले जाया गया राजा राव है कर्नाटक में सलमान रुशदी है मुंबई में डोरेस लेसिंग चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस पांच नॉवेल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है मार्क कराया गया था सलमान रुशदी के खिलाफ फतवा या डेथ वॉरेंट एक तरीके से इशू हो जाता है सैटेनिक वर्सेस जब आए क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने कही ग्रुप है बॉयज का और एक आइलैंड पे क्या करते हैं वो बेसिकली आइलैंड की जर्नी है ठीक है वहां पे बहुत सारी अजीब अजीब चीजें होती हैं तो ये विलियम गोल्डन का वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज स्टीफन लीकॉक का वर्क नहीं है यहां पे एक चीज है यहां पे नॉट है नॉट तो ये जो है ना द एंड ऑफ द अफेयर ये ग्रह ग्रीन का वर्क है आप सर्च कर सकते हैं ठीक है एरिस्टोटल ने ए, एपिक के बारे में जब बात की है तो कैरेक्टर की बात की है डिक्शन की की है प्लॉट की की है प्लस थॉट की बात की है स्पेक्टिकल की बात नहीं की है ठीक है हब्रेज का मतलब होता है एक पर्सन जैसे टू मच प्राइड हो तो एक्सेसिव इसके साथ बिल्कुल मैच करता है एलिट्रेशन सेम साउंड्स जैसे बाबा बाबा ब्लैक शीप ठीक है बहुत बार एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट के साथ साथ वाउल्स को भी काउंट किया जाता है जब आप डेफिनेशन देखेंगे तब ठीक है तो बिगिनिंग में एडजेसेंट होता है बिल्कुल नियर बाय तो ये जो ऑप्शन है सी ये बिल्कुल करेक्ट जाएगा पेस्तीच इंपॉर्टेंट है किसी के वर्क को इमिटेट करता है जब राइटर एक तो जो होता है ना प्लेजरिज्म के बिल्कुल कॉपी कर दिया और पेस्तीच का होता है इमिटेट करना ठीक है कौन है जो मॉडर्निस्ट कहे जाते हैं अवान्ट गार्ड मूवमेंट के देखो अब यहां पे ना डाउट आएगा डब्ल्यू बी एट्स और जेम जो जब गार्ड ग्रुप की बात होती है तो जेम जॉयस को काउंट करते हैं हालांकि डब्ल्यू बी ईट्स उनसे पहले आए हैं लेकिन डब्ल्यू बी ईट्स ने ख़ुद भी इस ग्रुप के बारे में बात की है जिसमें कि जेम जॉयस का जिक्र आता है ठीक है जॉनसन नहीं है ग्रीने नहीं है तो इनको हम जो सेल्टिक रिवाइवल था ना उससे जोड़ते हैं और जेम जॉयस को इस ग्रुप में क्योंकि डब्ल्यू बी ईट्स ने खुद भी बहुत सारी जगह जेम जॉयस को गार्ड ग्रुप कह के मतलब स्पेसिफिकली उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया वो हमेशा ही अमार्ट गार्ड ग्रुप की बात करते थे तो उस ग्रुप में जेम जॉयस हैं तो मुझे लगता है इसका आंसर इसका आंसर जेम जॉयस कंसीडर होना चाहिए बोर्ड के हिसाब से क्या होगा नहीं कह सकते हाई सीरियसनेस मैथ्यू आर्नल्ड ने बात की है अब एक और क्वेश्चन है ऐसा जो मुझे डाउटफुल लगा जैसे देखो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड ये इंग्लैंड में पेंटर्स का एक ग्रुप था ठीक है अब दिक्कत क्या है कि ये ग्रुप ना अराउंड 1845 या 1848 था अगर ये ग्रुप 1845 आप देखें 1848 देखें तो देखो ये नाइनटीन सेंचुरी है ठीक है अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है ये पेंटर्स का ग्रुप था करेक्ट है बट यहाँ पे 18th सेंचुरी लिखा है यहाँ पे नाइनटीन होना चाहिए था यहाँ पे यह ग्रुप फ्रॉम एटीनथ सेंचुरी इंग्लैंड है यहाँ पर यहाँ पे पेंटर्स मेंशन नहीं है तो इसमें पेंटर्स को भी वर्ड में होना चाहिए था प्लस नाइनटीन्थ सेंचुरी जाएगा ना जब आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो हमेशा 1845 और 1848 का रेफरेंस मिलेगा तो मुझे नहीं पता बोर्ड ने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है या क्या किया है इस पर ऑब्जेक्शन लगेगा 100 परसेंट ऑब्जेक्शन लगेगा क्योंकि यहाँ पे नाइनटीन होना चाहिए था और यहाँ पे पेंटर्स होना चाहिए तो ए और डी को दोनों का मिक्स ठीक है जिन लोगों ने अटैम्प्ट भी किया है वो फायदे में रहेंगे उसका रीज़न ये होता है दो Options होते हैं बोर्ड के पास एक कभी कभार यह होता है है कि अगर बहुत सारे लोग एक नंबर मिल जाने से में आ जाते हैं ठीक और तो बोर्ड कंसीडर नहीं करता उसको नल डिक्लेयर कर देता है यानी कि वो उसको एक्सक्लूड कर देता है अगर बहुत सारे कैंडिडेट मैरिट में नहीं आते तो वो प्लस वन दे भी देता है तो अब बात सारी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में आ जाती है एक नंबर से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता अपेयर ऑफ रैग्ड क्लॉज अगर कभी भी आधा वर्ड ही डिनोट कर दे पूरे का मतलब तो उसे डॉकी कहते हैं ठीक है फ्री वर्स में कोई भी रेगुलर मीटर और रिदम नहीं होता तो ये तो क्या आएगा इसका ए जो है वो करेक्ट है नो रेगुलर मीटर नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइस स्लिपरी स्लाइड स्लिड सेटिंग स तो जो स का कॉन्टिन्यूसली जो साउंड आ रहा है कॉन्सोनेट का यह है एलिट्रेशन एजोनेंस में सिर्फ वाउल्स आते हैं इसका ऑपोजिट होता है कॉन्सोनेंस जिसमें कॉन्सोनेंट आते हैं ठीक है जब आप ये वर्ड देखेंगे तो इसमें कहा गया है फर्स्ट फन एम यानी कि व तो ये ऐसे लिखा जाएगा व क्या है आपको याद होगा एक ऑर्गन ऑफ स्पीच की पी नंबर टेन है ठीक है मुझे याद है मैंने वहाँ पर ये चीज बताई है वॉइसड लैबियोडेंटल फ्रीकेटिव अब देखो जिस पर्सन का एक क्वेश्चन पेपर है ना उसने लिखा है गैस वाओ बिल्कुल तो तो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखो वॉइसलेस बाई लैबियल जब आप देखोगे ना तो बाई लैबियल देखो अनएस्पिरेटेड तो पैट है ठीक है ठीक है नेक्स्ट है सीन जब आप सीन देखोगे तो ये ऐसे बनता है और अगर आप ऑर्गन ऑफ स्पीच की पी देखेंगे या फिर जो वाउल का डायग्राम है ना फनिम चार्ट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अगर आप सर्च भी करोगे तो जो जहाँ आपको ये वाला आई मिल जाएगा तो आप देखना फ्रंट क्लोज अनराउंडेड में आता है ठीक है दीप थोंग्स कितने हैं हमारे पास एट क्योंकि मोनोथोंग्स हमारे पास बारह हैं चलो एक वर्ड है बियूरोटिक तो बियू रियो क्रैटिक ठीक है मैंने आपको ये हिंट दी थी मैंने कहा जब भी मैंने आपको ये बताया था जब भी आपको बोलते वक्त आप किसी वर्ड को तोड़ पा रहे हैं तो जितने ही वर्ड्स में आप उसको बोल रहे हैं या तोड़ पा रहे हैं उतने ही उसमें सिलेबल्स आ जाते हैं यानी कि आप उन चीज़ों पर स्ट्रेस दे रहे हैं तो ब्यू रियो क्रैटिक तो चार इसका करेक्ट आंसर यानी कि फोर लिंग्विस्टिक्स रजिस्टर रजिस्टर यानी कि सेट ऑफ कन्वेंशन यानी कि सेट ऑफ रूल्स क्योंकि फॉर्मल लैंग्वेज का पार्ट आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है लैंग्वेज यूज्ड इन अ स्पेसिफिक कम्युनिकेटिव सिचुएशन क्योंकि फॉर्मल जो है आप लोकल में अनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं लेकिन रजिस्टर इन द सेंस जब आप फॉर्मल चीज को यूज़ करते हैं अगर ऑफिस वालों से बात कर रहे हैं तो उनको इधर उधर की भाषा में आप नहीं समझा सकते ठीक है बॉस कहेगा जाओ तुम मीटिंग से तुम्हें तो बोलने की तमीज़ नहीं है फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर ये कुछ नहीं है ये फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स हैं तो नोआम चॉम्स की करेक्ट आंसर है इन फ्लैटेबल इनफिक्स नहीं है इसका आंसर क्योंकि इनफिक्स जैसे होता है ना इसमें एस वर्ड ज्यादा आ जाता है जैसे आप अगर कोई वर्ड है कप फुल है ठीक है तो कई बार आपने देखा पीछे ना लग के फर्स्ट जो वर्ड होता है उसमें प्लूरल आप उसको प्लूरलाइज कर देते हैं यानी कि है कप्स फुल हो जाता तो इनफिक्स तो नहीं है ठीक है यह है सफिक्स लिंग्विस्टिक इज कंसर्ड विद मीनिंग हाँ सिमेंटिक्स आपको याद हो गई ये कहा था कि अगर आप सिंटेक्स और सीमेंटिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्या आप करेंगे एम एम से मीनिंग एम से सीमेंटिक्स ऐसा याद करेंगे ठीक है लैंग क्या है लैंग एक सेट ऑफ कन्वेंशनज है सेट ऑफ रूल्स है तो मुझे लगता है इसको एक को कंसिडर करेंगे जब आप बोलते हैं तो जो वोकल कॉर्ड्स हैं वॉइसड साउंड जब बोलते हैं तो जो कॉर्ड्स हैं वो आस पास आ जाती हैं लूजली हेल्ड टूगेदर ठीक है बिल्कुल पास नहीं होंगी लेकिन पास होंगी प्रोड्यूस अब इसमें क्या है इसमें देखो एयर तो फ्लो करती है हेल्प करता है पर ब्लॉक नहीं करता अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या सोच के या कहां से कॉपी पेस्ट मारा है डेफिनेशन वाइज एयर फ्लो करती है थ्रू नोज ठीक है यहाँ पे यह है विलम ब्लॉक्स द एयर फ्लो टू म तो वॉइस तो निकलती है म से तो अब इसमें किसको कंसीडर करेगा और क्या देख के करेगा फर्स्ट पार्ट को देख के करेगा या सेकंड पार्ट को देख के करेगा पता नहीं बट ऑब्जेक्शन लग सकता है ठीक है माउथ से ज्यादा नोज से निकलता है एयर तो लेकिन नोज से ज्यादा है तो मुझे लगता है बी को कंसिडर करना चाहिए हाँ एबल पूछा है तो एबल सफिक्स ही था ना प्रीफिक्स तो पहले लगते हैं ना ठीक है ये एक क्वेश्चनर है जो मुझे डाउट है पता नहीं क्या इसका आंसर होगा इसलिए मैं श्योर sure नहीं हूँ ठीक है गलत बताने से बेटर है कि श्योरिटी ना हो तो छोड़ देना चाहिए ये इनकम्प्लीट लगा मुझे क्वेश्चन कि वो क्या पूछना चाह रहा है क्योंकि प्लॉजर्व तो हमारे पास इसने पूछे हैं तो छः हैं ठीक है तो जब छः के बारे में बात होती है जब आप ए वाला पेपर चेक करेंगे तो मैंने इसमें लिख भी दिए हैं प ब ट लेकिन मुझे यहाँ ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई कि ये पूछ क्या रहा है ठीक है तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली मैं भी डाउट में हूँ तो जब आंसर की आ जाए तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है ये नेचर ऑफ रिलीज स्टेज लेकिन स्टेजेस बहुत सारी होती हैं क्लियर नहीं है मुझे ये क्वेश्चन तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी वॉइसड पलाटो एल्वलर फ्रीकेटिव तो ये तो हमारा दिज है तो यानी कि द बन गया शाइन है तो ये ऐसे लिखा जाएगा विजन कैसे लिखा जाएगा जिम ये तो ऐसे आएगा ना जिम आएगा ऐसे तो विजन जब आप देखें कहाँ गए क्वेश्चन ये रहा, तो ये वॉइसड है श जो है ये वॉइसलेस है द जो है ये वॉइसड डेंटल है तो इसने एल्वेलर पूछा हमसे तो के क्या क्या आता है ये और ये यानी कि ये अब पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही खराब हो गया है एल्वलर में सिर्फ ये और ये आते हैं यानी कि जो और जिम वाला डिजिट वाला डिजिट वाला ये तो वीजन है मेजर वाला यह डिजिट ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका आंसर है विजन क्योंकि पूछा गया है हमसे प्लाटो एल्वलर, फ्रीकेटिव 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 ये है और ये जो है ये होता है एफ्रीकेटिव ठीक है अगर किसी को वॉइसड अनवॉइस्ड से नहीं पता चलता प्लाटो एलवेलर से नहीं पता चलता तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि यह जो ज ज़ जो है ज ये भी एफ्रिकेटिव में है ठीक है 61 का डी नहीं आ सकता एक्जेल्ड नहीं एयर कहां से एक्सेल्ड होती है फ्लो करती है म, म ठीक है अब वही बात है ना कि बोर्ड क्या देख कर इसको कंसीडर करेगा बट एयर फ्लो करती है एक्जेल्ड नहीं ना थ्रू द नैसेज पैसेज ओनली माउथ का भी तो काम होता है बट थोड़ा कम होता है कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज बात तो सही है प्लॉज साउंड हैं लेकिन देखना पड़ेगा ना एस्पिरेटेड है स्लो है सडन है आप ऑप्शन देख के बाद अगर करोगे ना तो फिर चीज़ क्लियर नहीं होगी प्लॉज साउंड्स बिल्कुल क्लियर हैं लेकिन ये सडन है ठीक है प अगर आप जाए उस पर जिसे हम कहते हैं ना प्लॉज जिन्हें क्या कहा जाता है स्टॉप्स जल्दी बोल के खत्म कर दिया तो तो इसका आंसर है सडन फिर तो सडन को कंसीडर करेंगे ठीक है क्योंकि प्लॉज को स्टॉप्स भी कहते हैं जिन्हें जल्दी बोलकर खत्म कर देते हैं अगर ये वो आंसर पूछ रहा है तो फिर आंसर सडन है इसमें विजन है भाई आंसर जिम नहीं है जिम सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था और कोई इसका पर्पज नहीं है नेक्स्ट है फ्रेजेस एंड सेंटेंस की स्टडी किस में होती है जिसमें आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो होता है सिंटेक्स एफेजिया एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ये इन है ठीक है जिसमें आप बोल नहीं सकते ढंग से कुछ आपको याद नहीं रहता बहुत लंबे टाइम तक तो ये एक एफेजिया जो है ये एक डिसऑर्डर है नैजल साउंड तीन होते हैं म न और इंग डायलेक्ट डिफर इन ग्रामर है वो कैबलरी है एंड प्रोनासीशन बिल्कुल करेक्ट है ये डायलेक्ट है अगर ओनली प्रोनाउंसिएशन होता इंडिविजुअल का तो वो होता है एक्सेंट सजनी एंड लीला कैरेक्टर्स हैं टू लीव्स एंड अ बर्ड में हाँ रचना बिल्कुल करेक्ट है आंसर सडन uh, है ठीक है अब ये एक लाइन है चलो कहाँ थे हम अच्छा ये रहा. प्रोटैगनिस्ट जो है एबल होता है अपनी डेड वाइफ से कम्युनिकेट करने में हाँ क्योंकि ऐसा दिखाया गया है उसको कि उस वाइफ की डेड डेथ हो जाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो वो उनसे बात करता है होता है ना बहुत लोग कई के जाने का उनका सदमा लग जाता है और ऐसा लगता है कि वो उनकी फोटोग्राफ्स को देख के बात कर रहे हैं तो कुछ कुछ ऐसा मिलता जुलता कैरेक्टर इंग्लिश टीचर में है ठीक किस है किसका वर्क है नारायण का एक ये लाइन मुझे लगता है ठीक है मेरे को थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मेरे को मैंने दो टेक्स्ट नहीं पढ़े एक है बेंड इन द रिवर और एक है बोगम गार्टर्स बॉम्बे तो ये दो टेक्स्ट नहीं पढ़े बट मुझे अगर गैस करना होता तो मैं ये वाला जो टेक्स्ट है इसको गैस करती तो अगर आपको लाइन मिले तो कहीं जब पढ़ो ये तो कमेंट कर देना ठीक है पिन मैं कर दूँगी कमेंट कर देना कि सेवेंटी वन होगा आंसर ठीक है सिक्सटी सेवन का नन हाउ मैनी वॉइसलेस नैजल साउंड आर देयर इन आरपी हाँ बिल्कुल करेक्ट है अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं वॉइसलेस वॉइसलेस में तो नन होगा ठीक है बिल्कुल करेक्ट है मैंने सिर्फ यही पढ़ा वही बात है ना एक्साइटमेंट में हाँ जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करना है नेजल साउंड आर देयर तो ये तो वॉइसड हो गए थैंक यू सो मच रचना आपने याद दिलाया एम और एन इंग नहीं है ठीक है वॉइसलेस में आंसर आएगा नन बिल्कुल करेक्ट है चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है चतुरंग चतुरंगा तो ये ना जैसे पुराने टाइम में चेस खेलते हैं ना तो उसमें गांव में ऐसा कहा जाता है कि उनके जो पासे होते हैं उनको कहा जाता है चतुरंग। ये टैगोर का वर्क है प्रिस्किला हार्ट ये शशि थरूर साहब का वर्क है राइट उसमें एक कैरेक्टर है शी sways लाइक अ फ्लार इन द विंड ये सरोजिनी नायडू का जो वर्क है पेलेंक्विन बियर इसमें ये लाइन है अनटचेबल नाइनटीन थर्टी वाइन फाइव पब्लिश है प्राइवेट लाइव ये जो वर्क है ये आनंद का है अचक्का का कैरेक्टर ऑल टाइम फेवरेट कांतापुरा में है विलेज किसका वर्क है मुल्कराज आनंद का बॉम गार्टनर्स बॉम्बे जो अभी ऊपर गया ठीक है उसमें ज्यू होता है इसका हीरो मतलब बाई नेशनैलिटी पूछा है तो ज्यू होता है टाइगर फॉर मालगुडी इसमें जो कैप्टन है जो हमेशा बहुत सारे जानवरों को बिचारों को परेशान करता है तो एट द एंड होता यह है कि एक टाइगर उसकी जान ले लेता है तो इसका जो ओ, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है एन एरिया ऑफ डार्कनेस वी एस नाइपोल का वर्क है जब आप ट्रायोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके कहीं आसपास ये लिखा हुआ होगा एन एरिया ऑफ डार्कनेस गीतांजलि में सॉन्ग में कितनी मतलब बेसिकली क्या है सॉन्ग ऑफ रिक्वेंस में कितनी पोएम्स है वन जीरो थ्री कहीं कहीं ऐसा लिखा गया है कि रिवाइज एडिशन में वन ज़ीरो एट भी हैं तो वन ज़ीरोट भी यहाँ हमें नहीं देखा तो वन जीरो थ्री को हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे ठीक है तो सही है ना वन ज़ीरो थ्री वॉइस इन द सिटी अनिता देसाई का वर्क है वासु का कैरेक्टर मैन ईटर का कैरेक्टर मैन ईटर में ही है ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खुशवंत सिंह साहब ने लिखी है मार्क ऑफ विष्णु अनिता देव मतलब आप ये देख लो ऑप्शन फोर थ्री टू वन तो ये इस हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है किसका कंट्रीब्यूशन है प्ले राइट पोएट एंड नॉवलिस्ट का देखो अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है पोएट नावलिस्ट नॉवलिस्ट ये वो हैं जो तीनों थे प्ले राइट भी हैं पोएट भी हैं नॉवलिस्ट भी हैं वो बात और है कि इनको सबसे ज़्यादा लोग एज अ पोएट याद करते हैं लेकिन इनके नॉवेल्स भी बड़ी धमाकेदार रही हैं बहुत अच्छी रही हैं इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश श्रीनिवासा अयंगर ये वो अयंगर हैं जिन्होंने की, की कांतापुरा के बारे में भी कहा है द सर्पेंट एंड द रूप के बारे में भी कहा है ठीक है राजा राव को मिला था अब साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात कर रहा है राजा राव को मिला था सिक्सटी फोर में आर के नारायण को मिला था सिक्सटी में सबसे पहले जो है इन्हीं को मिला था अनाउंस हो चुका था फिफ्टी एट अराउंड अनिता देसाई सेवेंटी एट अब कल जो जिनको मॉक दिया है ना वहाँ पे 77 मेंशन किया है वो मैं आपको बताऊंगी क्यों दिया है जब हम उस मॉक को डिस्कस करेंगे ठीक है कभी कभार लिखा इसलिए जाता है ऑप्शन में ताकि वो चेक कर सके कि आपको पता है या नहीं कि 77 वाला 78 में मिला है क्योंकि अवार्ड्स जो हैं कभी भी आप देखें अगर इंडियन अवार्ड्स की भी बात करें या वो पिछले साल का जो है नेक्स्ट ईयर दिया जाता है यानी कि अगर सेवनटी वाला है तो सेवनटी में मिला होगा फिफ्टी वाला है तो सिक्सटी में मिला होगा ऐसे ठीक है तो ये टू वन फोर थ्री यानी कि टू वन फोर थ्री ऐसे सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है कौन सा वर्क है जो जकोबियन एज में नहीं लिखा गया देखो सब जो है ये डचेस ऑफ मालफी जो है जॉन वेबस्टर का है वॉल्पोनी बेन जॉनसन का है टेम्प शेक्सपियर का है एज यू लाइक इट ना लिखा गया है 1599 में क्योंकि शेक्सपियर के जब प्लेज आते हैं तो पहले उनको लिखा गया है और वैसे भी ये वो एज है जेकोबियन रेस्टोरेशन जिसमें कि पहले लिखा गया है परफॉर्म हुआ है बाद में वो पब्लिश हुआ है लेकिन यहाँ पे आंसर है एज यू लाइक इट किसने सबसे ज़्यादा जॉन वेबस्टर ठीक है जिन्होंने डचेस ऑफ मालफी लिखा है बसोला का कैरेक्टर इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कोलैबोरेशन जो थी वो थॉमस डेकर के साथ थी इनकी तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुझे नहीं पता कि जिन्होंने दिया हो या क्या सोच के उन्होंने बेन जॉनसन लगाया लेकिन बेन जॉनसन नहीं ये थॉमस डेकर के साथ सबसे ज्यादा इन्होंने कोलेबोरेशन किया है अगर आपने कभी रेस्टोरेशन टाइम पीरियड पढ़ा हो तो ये करेक्ट आंसर है चार्ल्स वन के टाइम को कैरोलाइन एज कहा जाता है ठीक है तो कोई जकोबियन कोई रेस्टोरेशन नहीं रेस्टोरेशन सिक्सटीन सिक्सटी या अराउंड आएगी चलो कैवेलियर पोइट किस कैवेलियर पोइट ने एक पोयम लिखी है ए राप्चर रापच्चर का मतलब वॉल कैन है वो रेप्चर नहीं होता एकदम से वही है थॉमस कैरियो का ये फेमस वर्क था द कंट्री वाइफ विलियम वाई करले का वर्क है जॉन डन ओपन विद द लाइन विल यू फॉर गिव दैट सिन वेयर आई बिगन ये हिम टू गॉड द फादर ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है यहाँ से है एक लाइन इनकी पूछी गई है मतलब मोस्टली अगर आप लाइन देखो ना जॉन डन से ही लगातार चार क्वेश्चन पूछ रही है और पूछे भी क्या है चार में से तीन क्वेश्चन जो हैं वो लाइन बेस्ड क्वेश्चन है कोटेशंस है टू ग्रेव्ज मस्ट हाइड दाइन एंड माई कोर्स ये इसका जो नेक्स्ट वर्ड है डेथ वर नो डिवॉर्स ये डिवॉर्स जो है ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है ये नेक्स्ट वर्ड है नो no के बाद लेटस पोजेस वन वर्ड ईच हाथ वन एंड इज वन ये गुड मोरोका है ठीक है जिसे कि रिलीजियस पोएम में आप काउंट करते हैं कंपस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत बार आपको कहा गया है कि भाई ऐसा जो जहाँ पे कंपस को लवर्स से कंपेयर किया है जो कि सेपरेट नहीं हो सकते ये फॉरबिडिंग मॉर्निंग है ठीक है होली सोनेट पता नहीं क्यों इन्होंने 1625 लगाया है जबकि अगर डन का आप देखें ना तो डन के मोस्टली जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो 1633 में पब्लिश हुए हैं ही डाइड इन द ईयर 1631 और दो साल बाद उनके पॉस्टोमसली बहुत सारे वर्क जो हैं पब्लिश हुए हैं मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में स्टार्टिंग की इनिशियल लाइन में बुक की जो बुक वन है ना उसका इंट्रोडक्शन में वन टू सिक्स वन टू ट्वेंटी सिक्स जो लाइन्स है इन्वोकेशन बोलते हैं उनको उसमें क्लियरली बताया है टू जस्टिफाई वेज ऑफ गॉड टू मैन तो ये हो जाएगा लाइसेडस एडवर्ड किंग के लिए ठीक है एरियोपेजिटिका फ्रीडम की बात करता है किसकी प्रेस की लेकिन किस चीज़ की अग प्रेस की फ्रीडम की बात करने की क्यों जरूरत पड़ी क्योंकि उस पर कुछ लोग सेंसरशिप लगाना चाहते थे थिएटर्स को कब रीओपन किया 1660 में दे वर क्लोज इन द ईयर 1642 सैमुअल जॉनसन ने क्या नहीं कहा जब आप कभी सर्च करें ना तो ऐसे सर्च करना सैमुअल जॉनसन व्यूज़ अबाउट शेक्सपियर या ऑन शेक्सपियर तो आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो मिल जाएंगे सिर्फ ये नहीं मिलेगा ही हैज़ नो हीरोज ही हैज़ ओनली हीरोइंस ये दरअसल जॉन रस्किन ने कहा था ठीक है तो सैमुअल जॉनसन का तो पत्ता क्लियर कट हो गया यहाँ पर ऑल गोल्ड स्मिथ की बी एम एम ए पोएम लगाई जाती है डेजर्टेड विलेज बड़ी ही अच्छी पोयम है ऐसा ऐसा ही डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा और आप इंजॉय करेंगे Danciand, Pope का work है। Mrs. -Prop का है. है में देखने को मिलता है, बहुत ही फेमस है ठीक है जेरेमिक कोलियर व्यू ऑफ द इमोर्टेलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ इंग्लिश स्टेज ये 1698 का वर्क है और इसी वर्क में इन तीनों को क्रिटिसाइज किया गया है ओलिवर गोल्ड स्मिथ को क्रिटिसाइज नहीं किया गया और कायदे से जब आप देखें तो ये ड्रामेटिस्ट नहीं थे ये पोइट थे ओलिवर गोल्ड स्मिथ ठीक है तो इन्होंने वाइकर ले लगाया है बट गोल्ड स्मिथ आंसर एरेबिला फॉर्मर का कैरेक्टर जो है बेलिंडा से मैच करता है क्लासिक्स ऑफ अवर प्रोज आर्नल्ड ने कहा है ड्राइडन एंड पोप को जोनाथन स्विफ्ट का वर्क पूछा है मॉडेस्ट प्रपोजल है ठीक है बाकी ड्राइडन का है फिल्डिंग का है पोप का है ठीक है मैं अदर ऑप्शन की बात कर रही हूं मिसेज स्लिप स्लोप में एक कैरेक्टर है स्पेक्टेटर में पॉइंट नंबर टेन में क्या बात नहीं की गई है बी सी डी ये तीनों ऑप्शन क्लियर कट मैंशन है जब आप सर्च करोगे ना नंबर टेन या पॉइंट नंबर टेन ऑफ़ द स्पेक्टेटर तो आपको वो ओपन करके देगा मतलब विकीपीडिया का एक पेज ओपन होकर आ जाएगा और आप उसमें ये पॉइंट्स जो हैं ये विद इन इन्वाइटेड कॉमाज लिखे हुए हैं तो आप सर्च कर लेना आपको डेमोक्रेसी वाला वर्ड नहीं मिलेगा ये यहाँ पे कहीं पर भी कोट नहीं किया गया है ठीक है नेक्स्ट है कौन ऐसा पर्सन है जिसने लाइफ के शुरुआत भी पोइम्स लिखने से की थी बीच में बेचारे वो वहम में आ गए उन्होंने नॉवेल्स लिखने ही शुरू की फिर उन्होंने नॉवेल्स को गिव अप कर दिया वो पोएम्स लिखने लगे तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये मोस्ट पैसिमिस्टिक पर्सन या नॉवलिस्ट कहे जाते हैं यह है थॉमस हार्डी क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्विट राइटिंग नॉवल्स टू फोकस ऑन पोएट्री तो पहले पोएम्स फिर नॉवल्स फिर पोएम मुझे लगता है आंसर हार्डी होना चाहिए ठीक है हार्डी ही इसका करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर है अभी तक तो हार्डी पढ़ा है बोर्ड किसी और को मान ले तो हम कुछ नहीं कह सकते वेसेक्स की सेटिंग जो है थॉमस हार्डी के ही वर्क में देखने को मिलती है वेसेक्स नॉवल्स या वेसेक्स रीजन पार्सन एडम्स का कैरेक्टर जोसेफ एंड्रीज में देखने को मिलता है पीकारस्क नावल यानी कि एक ऐसा नॉवल जिसमें कि मेन कैरेक्टर जो है वो रॉग हो पीका रेस्क मतलब ड्रॉग हो उसकी लाइफ जो है वो एडवेंचर से भरी हुई हो उसके पास कुछ काम नहीं है कुछ धंधा नहीं है लेकिन लोग उसको प्रेज कर रहे हैं लाइफ जो है उसके आगे पीछे घूम रही है जो स्टोरी है वो उसके आगे पीछे घूम रही है तो ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो है ये पीकारेस्क नॉवल नहीं है टॉम जॉन्स है मॉल फ्लैंडर्स है जोनाथन वाइल्ड है तो इसका आंसर हो जाए बी मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज नहीं है टेल ऑफ टू सिटीज लंडन एंड पैरिस की बात करता है चार्ल्स डिकिन्स का वर्क है लिटिल फादर टाइम जूड द ऑब्सक्योर थॉमस हार्डी का वर्क है ठीक है उसमें कैरेक्टर है और लैंडो आ बायोग्राफी एक ऐसा कैरेक्टर जो कि ना जाने कितनी सेंचुरीज़ को कितने ईयर्स को वो ध्यान में रखता है विजिट करता है और जिप्सीज़ के साथ दोस्ती करता है वर्जीना बुल्व का है ठीक है अब एक कैरे एक क्वेश्चन है थॉमस चैटरन कमिट सुसाइड पता नहीं क्या नेगेटिव क्वेश्चन इन्होंने डाला सुसाइड जैसी चीज़ों का तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए पेपर में है ना तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि चैटरन वॉज बोर्न इन द ईयर 1752 फिफ्टी टू एंड ही डाइड इन द ईयर सेवनटीन सेवेंटी अगर आप माइनस करें तो आंसर आएगा ऑलमोस्ट एटीन ठीक है तो एटीन तो ऑप्शन में नहीं है तो ये एटीन या नाइनटीन को कंसिडर करना चाहिए तो ए, ए जानी चाहिए नाइनटीन अब आप कहेंगे कि सेवनटीन ठीक है बट गैप सत्रह साल का नहीं है ना अगर आप सत्तर में से बावन घटाएंगे तो आंसर आएगा एटीन तो मुझे लगता है ये नाइनटीन को कंसिडर करेंगे तो ये ये वो क्वेश्चन है कि बोर्ड जो है सत्रह पे लगाना चाह रहा था बट उन्नीस पे हो गया या टाइप करते वक्त एटीन करना चाह रहा था बट नाइनटीन हो गया ठीक है नेक्स्ट है एक रेफरेंस है विलियम ब्लेक के वर्क की डार्क सीक्रेट लव दैट डिस्ट्रॉयज लाइफ हाँ ये ऐसी फीलिंग दे रहा है क्वेश्चन जैसे कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड द सिक रोज ठीक है रोज़ जो है ब्यूटीफाई करता है है ना स्मेल अच्छी होती है रोज़ जो है ब्यूटी के लिए डिनोट किया जाता है लेकिन सिक रोज़ का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया जो शायद बर्बाद कर सके थॉमस डैकर का कैरेक्टर ठीक है ये किस में है ये चिमनी स्वीपर में है टॉम का कैरेक्टर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है इसमें लिरिकल बैलट्स में सबसे पहले ट्वेंटी थ्री पोएम्स आई थी जिसमें से कि चार जो थी वो कोलरिज की थी वो बात और है बाद में पांच पोएम्स हो गई थी लेकिन वो डिफरेंट एडिशन था लिरिकल बैलेट्स में कौन सी पोयम क्रिस्टाबेल जो पोयम है ये नहीं थी ठीक है इसके अलावा ये तीनों पोएम्स वहां पर थीं एजम प्लास्टिक एस टी कोलिज ने ये टर्म दी थी तो ये ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कहा गया है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एंडीमियन क्लास ट्वेल्थ में फोर्थ नंबर की पोयम है और डिस्क्रिप्शन में साफ साफ बताया गया है एंडीमियन एक लाइन है फाइव ईयर्स है आप पढ़ेंगे तो उसमें डोरोथी के साथ जब ये विजिट करते हैं मोस्ट कोटेड लाइंस हैं ये हमेशा पूछी जाती हैं और जब ये पढ़ाया जाता है तब भी कहा जाता है पाँच साल बाद सेम जगह ये आए हैं और रिवर वाई ठीक है कई बार इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है डब्ल्यू वाई ही क्या है तो भाई वो रिवर है नेक्स्ट है ब्राइट स्टार वुड आई व स्टेड फास्ट एज द आर्ट जॉन कीट्स की लाइन है हेल्ड टू दी ब्लीथ स्पिरिट टू अ स्काई लैक का ये कोटेशन है कोट है किसके नेचुरल सीन्स का डिस्क्रिप्शन मतलब जब ये दो लोग साथ जाते थे ठीक है कोलरिज के साथ तो हम नहीं कह सकते लेकिन जो टीम है ना हमेशा वो इनकी जो ट्विन सिस्टर रही हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी वर्ड्सवर्थ तो बहुत सारी जगह आपने कौन ने देखा होगा इनको फ्रेंड करके डियर करके या लूसी करके डिनोट किया है तो ये है डोरोथी वर्ड्सवर्थ कि जब ये खुद नेचुरल सीन जो है नहीं डिपिक्ट करते तो उनको वो कौन दिखाती थी ये दिखाती थी डोरोथी तो डोरोथी आंख बंद करके लगा देना ये तो करेक्ट आंसर लगा ही दिया होगा खैर अब तो ठीक है जिनको भी थोड़ा बहुत भी आइडिया था कि ये दोनों बिल्कुल ही क्लोज हैं ब्रदर सिस्टर अक्सर विजिट पे साथ जाते थे तो ये बिल्कुल करेक्ट है द सॉलिटरी रीपर क्लास नाइन्थ में ये पोएम लगाई जाती है बहुत सारी जगह लिटरेचर रीडर की बुक है ठीक है तो उसमें जो गाना है सॉलिटरी रीपर जो एक जगह खड़ी हुई जो लड़की गाना गा रही है तो वो क्या कर रही करें वो अपने काम में बिजी है और जो पोएट है वो एक जगह से जा रहा है और वो इतना मतलब भूल गया अपना रास्ता ना इतना गाना वो अच्छा है तो ये जो सॉलिट रीपर में जो ये यंग गर्ल हैं ये कटिंग एंड बाइंडिंग कर रही होती हैं डांस नहीं करती हिल पे भी नहीं जाती होम पे भी नहीं जाती रिटर्न होती ठीक है कौन सा वर्क है जो जेन ऑस्टन का नहीं है जेन एयर नहीं है क्योंकि तो शार्लेट ब्रांटे का है प्राइड एंड प्रेजेड में कौन सी बेनेट सिस्टर नहीं है जेन है एलिजाबेथ है मैरी है किटी है लीडिया भी है शार्लेट नहीं है वेवरले बहुत बार लोग कहते हैं वेवरले जो सीरीज है उसके सारी नॉवल्स कर लें नहीं जरूरत ही नहीं है सर वॉल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवल्स लिखते हैं ये जो है इसका जॉन्डा जब आप देखेंगे हिस्टोरिकल है करेक्ट है या हिस्टोरिकल नेक्स्ट है सर वॉल्टर स्कॉट का प्रोज वर्क नहीं है प्रोज समझते हैं जो चैप्टर्स या नॉवल की फॉर्म में लिखा गया हो ठीक है प्रोज कौन सा नहीं है लेडी ऑफ द लेक ये पोयम है ये पोयम है बाकी जो हैं ये है ये नॉवेल्स हैं कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो थॉमस हार्डी की कि किसी नॉवल में अपीयर होता है और वो क्या करता है अपनी वाइफ को बेच देता है तो ये ऑक्शन सीन के नाम से फेमस है वाइफ की बोली लगा दी बताओ इसने अ फ्लॉक ऑफ शीप का कैरेक्टर मतलब शीप डॉग बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी शीप फॉग शीप डॉग कह लीजिए या शीप का जिक्र मतलब इसका नाम मैं भूल गई इसका कैरेक्टर भी है एक तो ये है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इसमें है इतना मुझे ध्यान है अभी मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा कौन इनकी केयर करता है फर्स्ट सीरियलाइज्ड नॉवल पिकविक पेपर्स बहुत सारी सीरीज में लिखी गई थी लेकिन इसको जब कंबाइन किया गया चार साल के अराउंड तो ये फर्स्ट सीरियलाइज्ड वर्क था नॉवल कोर्ट्स के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे बिल्कुल सच बात है कोर्ट्स लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ मेरिटोरियस का जो लेवल है ना वो मास्टर कैडर से हाइयर ही रहता है क्योंकि ये लेक्चरर पोस्ट है अगर आप देखें ध्यान से तो मास्टर कैडर में टिल टेंथ तक ही आप एलिजिबल है और मेरिटोरियस में लेक्चरर पोस्ट के लिए यानी कि एलेवन ट्वेल्थ के लिए और ये तो फैक्ट है ना टीजीटी में लेवल फिर भी कम देगा और पीजीटी में तो लिटरेचर का लेवल तो वो बहुत अच्छा देगा ना तो ये लेक्चरर पोस्ट थी इसलिए इसमें लेक्चरर टाइप के क्वेश्चन थे ये बात थी टेरिबल ट्रेन क्रैश हुआ था और ये बच गए थे ये थे चार्ल्स आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस वेन आई हैव द बार ये क्रॉस द बार जो है ये क्रॉसिंग द बार एक पोयम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की उसमें से लाइन है ठीक है तो जिनको ये याद था क्रॉस cross, मतलब क्रॉसिंग द बार तो उन्होंने लगा दिया होगा इसका आंसर द मंक मैथ्यू ग्रिगोरी लेविस ये वही हैं जो एन रेड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे ठीक है और अपनी मदर को लिखते थे कि मुझे लगता है गौथिक नॉवल के कुछ कैरेक्टर्स ना जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मेरे अंदर हैं एल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन की लोटस ईटर्स जो है बड़ी अच्छी पोयम है देखो ये तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की है या मैथ्यू आर्नल्ड की है ये मुझे ध्यान किस नहीं किसकी है झूठ क्यों बोल रहा नहीं ध्यान ठीक है इन विच पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग द प्रीचर बिगिनस बाई रेफरिंग टू वैनिटी हाँ वैनिटी के बारे में बात करता है बिशप्स ऑर्डर हिज टॉम्ब में बहुत सारी जगह लोग पढ़ते नहीं हैं ये तो अगर किसी ने बाकी पढ़ा है गैस भी लगाया होगा तो ठीक हो गया होगा द हाई मैन एमिंग एट अ मिलियन ये ग्रामेरियन फ्यूनरल में ये लाइन कही गई है एक पोयम है कोल माइन्स का जिक्र कि यंग लोग जो हैं कोल माइन्स में काम कर रहे हैं और जब उनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है ठीक है तो वो क्या करते हैं ये जैसे ब्लेक की लंडन की पोयम है ना कुछ कुछ थीम्स इस पोयम में भी हैं तो ये पोयम है क्राई द चिल्ड्रन सोनेट्स फ्रॉम द पॉर्चुगीज़ तो एलिजाबेथ बैरट ब्राउनिंग ये मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने यूपी का बैच लिया था एक ठीक है जो हायर लेवल का होता है मेरे ख्याल इलाहाबाद उसका पेपर होता है वो यूपी एच ई सी ऐसे कुछ टर्म होती है क्योंकि अलग अलग लेवल होते हैं ना तो उसमें एलिजाबेथ बैरट ब्राउनिंग था तो ये मैंने मॉक में दिया था क्वेश्चन अन टू दिस लास्ट इंपॉर्टेंट है जॉन रस्किन और लास्ट कुछ क्वेश्चन की बात करें पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन की ने दी है कौन सी बुक जो जॉन रस्किन की नहीं है तीन के लिए मैं श्योर हूँ द रेनेसा मुझे लगता है या तो ये वॉल्टर पेटर क्योंकि पेटर का भी एक वर्क है जो रेनेसा वर्ड को यूज किया हुआ है और थॉमस कैरले तो इतना तो श्योर है कि द राइसा जो वर्क है ये जॉन रस्किन का नहीं है आज ही पढ़ी है बिशप ऑर्डर अरे वेरी गुड ठीक है हाउ टू रिमेंबर कोड्स कुछ नहीं हो सकता कोड्स का तो आप मतलब कोड्स का तो ऐसा है कोड्स जब आप पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे क्योंकि कोड्स याद करने के लिए भी कई बार होता है ना जैसे इडियम्स होती हैं या फ्रेजल वर्ब्स होती हैं तो कई बार आप हाँ पोइट्री में भी ऐसे वर्ड देखेंगे जैसे अभी देखो दी ओल्ड इंग्लिश में दाओ ये यू और आर के लिए यूज़ होता है लेकिन आज हम इनको पढ़ने लग जाए ना तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आज इनका कोई यूज ही नहीं है इवॉल्व हो चुकी है लैंग्वेज तो कोर्ट्स को याद करने का यही तरीका है कि आप उनको बार बार रिवाइज करें क्योंकि लिटरेचर में रिविजन के बगैर कुछ भी नहीं है ठीक है तो किस कौन से वाला आंसर ये अरे कैरल का वर्क है ना ये यहाँ लिखा हुआ है देखो कैरल का द रिनेसा इसका आंसर क्या होगा यही है जॉन रस्किन का ये वर्क नहीं है ये कैरल का वर्क है ठीक है किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करवाया है ये बिल्कुल सीक्रेट रहता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वही है जिसने पीछे कंडक्ट करवाया था तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चेंज नहीं होती टेंडर निकलता है और जो सबसे कम अमाउंट भरता है टेंडर उसके पास जाता है ठीक है तो ये था आज का आपका पेपर मेरिटोरियस का पेपर और आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है इससे जो मास्टर कैडर के स्टूडेंट हैं वो इसमें से जो आपके राइटर्स हैं जैसे आपके पास फ्लरेंस नाइटेंगल नहीं है एलिजाबेथ बैर ब्राउनिंग नहीं है तो कुछ ऐसे राइटर्स स्किप अगर आप कर देते हैं क्योंकि आपको करने भी पड़ेंगे इसके अलावा जितने क्वेश्चन हैं नियर बाय चाहे बुक्स का हिंट भी दिया गया है जैसे इसमें सीजम एंड लिलीज दिया गया है किंग ऑफ गोल्डन रिवर दिया गया है तो आप इनके ना ईयर पढ़ लेना ठीक है ये मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है इसमें जो जो ऑप्शन दिए गए हैं आप उनको उनके ईयर जरूर पढ़ लेना मैरिड तो 140 जाएगी मैरिड जा सकती है 130 तक लोगों ने इजिली अटेम्प्ट किया है तो 130 से तो ऊपर ही जाएगी बाकी अदर चैनल्स भी जो हैं वो अपना एनालिसिस कर लेंगे क्योंकि जितने स्टूडेंट्स होते हैं दरअसल मेरे पास मेरीटोरियस के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे हार्डली दो तीन स्टूडेंट्स थे ठीक है तो बैच मेरे पास नहीं था तो ओवरऑल आपकी एक्सपीरियंस की अगर मैं बताऊं तो मोस्टली लोगों ने 135 प्लस कर लिया स्कोर मतलब 135 तक उन्होंने किया है स्कोर तीन चार लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा एक दो लोगों ने पेपर अटैम्प्ट किया बट उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी बट उन्होंने ये कहा ये कन्फेस किया कि अगर तैयारी करके जाते तो वन आराम से आ जाते तो आप ही मान के चलो वन थर्टी प्लस तो है ही मेरिट बाकी आपको पता चल ही जाएगा अपने फ्रेंड सर्कल में अभी लोग तो घर भी नहीं पहुँचे तीन तीन चार चार घंटे का सफ़र करके तो वो जाएंगे तसली से अपने मार्क्स काउंट करेंगे देन वी विल गेट एन आइडिया कि हाँ कितना स्कोर किया है कितनी मेरिट जाएगी हाँ वो तो नेहा बाद की बात होती है कई बार कुछ लोगों का चार पांच जगह पेपर आ जाता है वो तो बाद में डिपेंड करता है कि कहाँ वो ज्वाइन करेंगे मास्टर कैडर का एग्ज़ाम कब होगा कब होगा नहीं पता मास्टर <laughs> कैडर के एग्ज़ाम से पहले तो नवोदय का पेपर हो जाएगा सीबीटी होता है ना? क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड पेपर तो कोई बात नहीं आप ये मान के चलो कि अगस्त में हो जाएगा ठीक है इसमें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मॉक में आपसे पूछे गए थे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको बताए गए हैं एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें इसका स्क्रीनशॉट और जो हमारी पी हैं उनका स्क्रीन आपके एक्सपोजर आपके एक्सपीरियंसिस का बनाएंगे ठीक है थोड़ा सा सेटअप चेंज हो रहा है तो मुझे लगता है कि अभी तीन से चार दिन लग जाएंगे कोशिश यही है कि दो तीन दिन में काम ख़त्म हो जाए बट बनाएंगे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा ठीक है भूल जाते हैं पुष्पा जी ये कॉमन चीज़ है ठीक है मैं भी भूल जाती हूँ डेट आप तो अपनी बात कर रहे हो मैं तो खुद भूल जाती हूँ तो क्या ही करना ठीक है किसी ने पूछा था क्या आप पी कर रहे हैं हाँ जी रिसर्च चल रही है बीच में आई टुक ब्रेक और अभी मैंने ब्रेक ही लिया हुआ है बहुत ज़्यादा टाइम ब्रेक हालांकि ले नहीं सकते बट कुछ रीज़न थे पर्सनल जिनकी वजह से ब्रेक लिया है आई डोंट नो क्योंकि एक टाइम होता है ना कि अगर वो चीज़ आप पाँच साल में नहीं कर पाए तो आप सात साल में कर लेंगे बट नेक्स्ट जो कुछ ऐसे टारगेट आ जाते हैं बीच बीच में जिन्हें कि उस टाइम ना करना होता है विद डेडिकेशन रमन हम कुछ कह नहीं सकते कि कितने क्वेश्चन आते हैं आप इसमें काउंट कर लेना आई गेस फिफ्टीन के अराउंड तो क्वेश्चन हैं लिटरेरी टर्म्स और लिंग्विस्टिक के फिफ्टीन ठीक है लेकिन अगर आप सोचें ना कि लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी टर्म्स को आप छोड़ दें तो आप परेशानी में हो सकते हैं क्योंकि 120 और 125 तो लिटरेचर के क्वेश्चन होंगे ही होंगे अगर आप इनको कर भी लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि मास्टरी हासिल कर ली है लिटरेरी टर्म्स में और लिंग्विस्टिक्स में तो फिर भी आपकी मास्टर कैडर की जो है ना अभी मान लो 135 तो फिर भी जाननी है क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी लोगों ने की है असाइड चलो बता देते हैं एक क्वेश्चन आया है सोली लॉकी सोलॉकी में सिंगल पर्सन खुद से जोर जोर से बात कर रहा होता है ठीक है सोली लॉकी हेमलेट की सोली लॉकी याद करो खुद से बात कर रहा है जोर जोर से बात कर रहा है कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है नहीं पता असाइड में एक कैरेक्टर साइड में जाके बात करता है इंटेंशन होता है ऑडियंस को सुनाना सोलिलॉकी में वो चीज़ नहीं होती असाइड मीन्स एक दो तीन चार पांच पांच अगर कैरेक्टर हैं एक कैरेक्टर साइड में जाके ऑडियंस को एड्रेस करता है ठीक है तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी चलो एक मैराथन सेशन रख लेंगे ठीक है तो फ्रॉम माई साइड अ वेरी हैप्पी गुड नाइट आज छुट्टी थी बट मुझे आपने चैन लेने नहीं दिया अच्छी बात है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हाय हमारा ये पेपर अगर होता तो क्या दिक्कत होती ये जैसे आ रहे हैं ना पीपा पासिस माय लास्ट डचेस ये जरूर कर लेना भाई रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क में ठीक है जब बिल्कुल कर लो तो हो सकता है एक आधी लाइन पूछ ले वैसे चांसेस कम ही रहते हैं बट ईयर तो ज़रूर कर लेना टू बी और नॉट टू बी हाँ दैट इज़ द क्वेश्चन करें या नहीं करें क्लॉडियस ठीक है तो चलिए फ्रॉम माई साइड ए वेरी हैप्पी गुड नाइट व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखेंगे ये वाला पेपर मैं सेंड कर दूंगी बिकॉज़ ये थोड़ा सा ब्लर फॉर्म में है भेजा तो किसी ने बड़ी मेहनत से था सबसे पहला पेपर रीना जी ने ही भेजा था ये वही पेपर है थैंक यू सो मच बट जब ये हम जूम करते हैं ना तो फट जाता है ये ठीक है